ओके सो गाइस कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में कुछ इस टाइप का स्पेशल बर्थडे वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप किसी को विश करोगे तो गाइस काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो को लाइक और चैनल से सब्सक्राइब चैनल बेल आइकन को प्रेस कर देनी है। सो गाइस वीडियो में जो जो मटेरियल यूज होने वाली है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, साइज ओपन कर लेना है 916 का। साइज ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या, सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एडिटिंग में जाना है। फिर आपको वीडियो का डायरेक्शन आपको 4% करके आपको फिर स्क्रीन करके सेट कर लेनी है। फिर मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके गाइस आपको जो जो पिक एडिटिंग करनी है उस पिक को आपको काइनमास्टर के अंदर इम्पोर्ट कर लेनी है। तो भाई इम्पोर्ट करने के सिंपली आपको टिक कर देनी है। फिर गाइस आपको करना क्या है, आपको इस पिक का क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे जाके अच्छी तरह से सेट कर लेना है। मेरा सेट हो चुका है। सो गाइस इसमें करना क्या है, इस पिक को क्लिक करके क्लिप ग्राफिक्स पे जाना और ओवरलाइन वाला इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना हो। ये ओवरलाइन वाले इफेक्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। गेट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लोड होने देनी है। फिर गाइस आपको करना क्या, सिंपली मॉडर्न एंड सिंपल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें आपको स्क्रॉल नीचे के साइड कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे ओवरलाइन वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस यही ओवरलाइन वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, कट कर लेना है। आपको सारे पिक में एक एक करके इफेक्ट लगा लेनी है इस वीडियो में। ऐसे एक एक करके आपको सारे वीडियो में फोटो के वीडियो में लगा लेनी है। क्लिप ग्राफिक्स में जाके फिर ओवरलाइन ऑप्शन में जाके आपको 5 लगा लेनी है। इफेक्ट लगाने के बाद गाइस फिर आपको ऐसे ही कर लेनी है सारे पिक में। और गाइस अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर दे। यहाँ पे लगा लेनी है एक और पिक है, उसको लगाने के बाद सिंपली आपको टिक कर लेनी है। गाइस टिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये गोल्ड लाइट वाले इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा। तो गाइस इसको आपको लगा लेनी है। फिर गाइस आपको करना क्या, डाउनलोड करने के लिए माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गोल्ड लाइट पे जाएंगे, आपको नीचे की तरफ खिसकाना है। गेट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये वाइप वाले ऑप्शन पे जाना है, लोड होने देनी है पहले। लोड होने के बाद गाइस आपको वाइप वाले ऑप्शन पे जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख जाएगा गोल्ड लाइट, इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा इंस्टॉल्ड है। सो गाइस आपको सारे पिक में माइनस वाले ऑप्शन में लगा लेनी है एक एक करके। ये गोल्ड लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको 4, 5, 6 कुछ भी लगा सकते हो गाइस अपने हिसाब से। लगाने के बाद गाइस आपको फिर माइनस वाला ऑप्शन क्लिक करके गोल्ड लाइट में जाना है, आपको थर्ड वाले इफेक्ट को लगा लेना है। फिर गाइस आपको ऐसे ही सारे पिक में कर लेनी है इफेक्ट को। सो गाइस यहाँ पे ऐड हो चुकी है सारे इफेक्ट। ऐड होने के बाद गाइस आपको सिंपली टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टिक कर देंगे। फिर गाइस आपको करना इसका लेंथ छोटा कर देंगे। लेंथ छोटा करने के बाद गाइस आपको देख सकते हो तो कितने ऑसम तरीके से वीडियो एडिटिंग हो रही है। आपका इतना तक वीडियो एडिटिंग हो चुकी है। फिर लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और गाइस आपको एक पिक पीएनजी ले लेना है। इस कलर का पिक पीएनजी लेने के बाद गाइस इसका साइज लेंथ बढ़ाकर आपको इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देना है। साइज बड़ा करने के बाद सिंपली नीचे के साइड अच्छी तरह से परफेक्टली सेट कर देनी है। सेट करने के बाद गाइस आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। फिर टैक्स वाले ऑप्शन पे जाके आपको लिख लेनी है हैप्पी। हैप्पी लिखने के बाद गाइस आपको सिंपली ओके क्लिक कर देनी है। ओके क्लिक करने के बाद आपको इसका साइज बड़ा करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको अच्छी तरह से फॉन्ट सेट कर देनी है कर्सिव राइटिंग में। सो गाइस लेटेंट में ऑप्शन में जाएंगे हम। फिर गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे
नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, ये वाले इफेक्ट को डेड रेड वाले इफेक्ट को लगा लेनी है। लगाने के बाद आपको सिंपली इसका साइज बड़ा कर देना, साइज बड़ा करके गाइस इसका लेंथ भी बड़ा कर लेना है आपको। लेंथ बड़ा करने के बाद सिंपली टिक कर देनी, फिर गाइस आपको क्लियर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट में लिख देना बर्थडे, बर्थडे लिखने के बाद सिंपली ओके कर लेनी है। फिर गाइस आपको इसका साइज बड़ा कर देना, साइज बड़ा करने के बाद नीचे की तरफ अच्छी तरह से परफेक्टली सेट कर देनी है। सेट करने के बाद गाइस आपको की वाले ऑप्शन में जाना है, कलर में आपको इसको ब्लैक कलर कर लेना है। ब्लैक कलर करने के बाद इसका लेंथ बड़ा कर लेना है। फिर गाइस आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, बर्थडे का फॉन्ट आपको चेंज कर लेना है। सो गाइस लेटेस्ट में जाएंगे, आपको अच्छी तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको लिंडन हिल वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फॉन्ट को ऐड करने के बाद गाइस आपको सिंपली अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। फिर गाइस आपको करना क्या, बर्थडे वाले ऑप्शन में यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, शैडो ग्लो ऑफ कर देंगे, आउटलाइन ऑफ कर देंगे, देख लेना है डार्क कलर कैसे हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे बैक करके आपको चेक कर लेना है। फिर गाइस आपको सिंपली ये ग्लो ऑफ कर लेना है, टिक कर देना है। फिर गाइस आपको करना क्या है, हैप्पी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लेंथ आगे से बड़ा कर लेंगे। फिर गाइस आपको करना क्या हैप्पी पे क्लिक करेंगे, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड फॉन्ट कर लेंगे, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके सेंड टू फॉन्ट कर लेंगे। सो गाइस आपको बर्थडे के ऊपर अच्छी तरह से स्टाइलिश के लिए सो गाइस सेट कर लेने को, देख सकते हो गाइस कितने ऑसम तरीके से हो रही है एडिटिंग। फिर लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करके मीडियम में जाएंगे। फिर गाइस आपको करना क्या है, एक ये टेम्पलेट वीडियो ले लेनी है, स्प्लिट स्क्रीन में जाके फुल स्क्रीन करने के बाद ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको गाइस आपको स्क्रीन कर ले, गाइज इसको स्किन कर लेनी है। स्किन करने के बाद सिंपली टिक कर लेना है। सो गाइज देख सकते हो इसका आपको ऑडियो म्यूट कर लेना है। सो गाइज नीचे जीरो करके म्यूट कर लेंगे ऑडियो, ऑडियो म्यूट करने के बाद फिर आपको गाइज लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैक स्क्रीन जिसमें ऑडियो है इसको सेट करना है। स्प्लिट स्क्रीन जाके फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, बैक कर लेना है, फिर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली स्कैन कर देना है। सो गाइज यहाँ पे ऑडियो ऐड हो चुका है, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे। फिर गाइज आपको ये कलर वीडियो ले लेनी है, ऐड कर लेनी है बैगनी कलर वाले। फिर स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन करने के बाद ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिंपली स्कैन कर लेना है। फिर गाइज सिंपली टिक, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपको इस तक का टोटल कैसा लगा, आई नो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहता है। तो गाइस वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो गाइस अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय। सो गाइस आपको करना क्या, सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फुल एचडी 1080p क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा। सो गाइस